हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं टॉपिक पंचायती राज सिस्टम की। इन शॉर्ट मैं बताना चाहूँगी कि क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक पर्सपेक्टिव से, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, तो ये पूछा जाता है। तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो इसमें क्या होता है कि इंश्योर होता है कि जो पीपल हैं, जो पब्लिक हैं, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें ग्राउंड लेवल में, डिसीजन मेकिंग में ये पार्टिसिपेट करें। तो पंचायती राज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे पंचायती राज सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स अथॉरिटी एट द लोअर लेवल, जो पावर, जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन लेने का जो हक है, जो वो लोअर लेवल पे है, नीचे है, ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे। पंचायती राज इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंश्योर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। आर्टिकल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 243G 243H इन डिसीजन मेकिंग। अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 40, इट्स मैंशन दैट स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद सच पार्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम इसके बारे में जान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है 100%। पंचायती राज सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इन 1882 लॉर्ड रिपन प्रोवाइडेड द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क टू लोकल गवर्नेंस। दिस गिव हिम द टाइटल ऑफ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो आपने टिक करना है लॉर्ड रिपन। और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पंचायती राज के, जैसे 24 अप्रैल इज़ सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल पंचायती राज डे। सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया गया था। पंचायती राज बिल वाज पास्ड ड्यूरिंग नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। द ड्यूरेशन ऑफ एन इलेक्टेड पंचायत इज 5 ईयर्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक आपको 4 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर पूछा जाता है कि विच वन इज़ करेक्ट और विच वन इज़ इनकरेक्ट, तो आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि क्या है पंचायती राज सिस्टम में, कौन सा आर्टिकल है, कब ये सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन सी गवर्नमेंट के टाइम में हुआ था, इसके फादर कौन है, इसको दूसरा नाम क्या है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ये दिया गया था, 73rd वाला, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप इसको रट लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।